बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिट। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो डेफिनेशन का है। अकाउंटिंग इज कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उन ट्रांजैक्शन से, जबकि ऑडिटिंग इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्रिटिकली तजिया करना, जायजा लेना, ये ऑडिटिंग का पार्ट होता है। टू गिव एन ओपिनियन ऑन देयर फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब है क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं बनी है, तो उस पर एक ख्याल का इजहार करना ऑडिटिंग का पार्ट होता है। टाइमिंग। अकाउंटिंग इज कैरीड आउट ऑन कंटिन्यूस बेसिस डेली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ रही है? वाइल ऑडिटिंग इज बेसिकली अ पीरियोडिक प्रोसेस। साल के आखिर में होता है, साल के बीच में हो सकता है, 3-3 महीने के बाद हो सकता है, तो एक पीरियोडिक प्रोसेस होता है ऑडिटिंग का। नॉर्मली एनुअल ऑडिट होता है, साल के आखिर में होता है। एंड कैरीड आउट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है उसके बाद फिर ऑडिट किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, यूजली ऑन ईयरली बेसिस। बिगनिंग अकाउंटिंग स्टार्ट यूजली वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जैसे ही बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, यानी आप ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज कर लो, लेजर्स बना लो, ट्रायल बैलेंस तक बना लो, ये सारा बुक कीपिंग का पार्ट होता है, उसके बाद से आपकी अकाउंटिंग जो है शुरू होती है। जबकि ऑडिटिंग ऑलवेज स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड। जहाँ अकाउंटिंग खत्म होती है वहां से ऑडिटिंग का स्टार्ट होता है। पीरियड अकाउंटिंग मेनली कंसंट्रेट्स ऑन द करंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज। नॉर्मली अकाउंटिंग एक साल की हो रही होती है, करंट जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है उनकी होती है। वाइल ऑडिटिंग कंसंट्रेट ऑन पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटिंग जो होती है वो पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उनकी ऑडिट होती है। कवरेज। अकाउंटिंग कवर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड स्टेटमेंट हैविंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। अकाउंटिंग में तो तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, तमाम ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ऑडिटिंग मेनली कवर्स फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड। जो फाइनल डेटा आता है बिल्कुल लास्ट जो एंडिंग बैलेंस होते हैं ऑडिटिंग, उनको वहां से ऑडिटिंग का आगाज होता है। ऑडिटिंग उनको मेनली जो है वो कवर करती है, उनको चेक करती है। लेवल ऑफ डिटेल। अकाउंटिंग इज वेरी डिटेल्ड एंड कैप्चर्स ऑल डिटेल्स रिलेटेड फाइनेंस। क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्सनल मैटर होता है, इस वजह से इसको बहुत डिटेल्ड रखा जाता है। तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम ट्रांजेक्शंस, तमाम स्टेटमेंट्स, हर चीज को प्रॉपरली देखा जाता है, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। वाइल ऑडिटिंग जनरली यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑन सैम्पल बेसिस। यहाँ पर जो कवरेज होती है वो सैंपल बेसिस पे होती है, क्योंकि ऑडिट में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करें। आप सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग के हिसाब से फिर आप ऑडिट करते हैं। टाइप ऑफ चेकिंग। अकाउंटिंग इन्वॉल्व चेकिंग एंड वेरीफाइंग डिटेल रिलेटेड टू ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। वाइल ऑडिटिंग मे बी कैरीड आउट थ्रू टेस्ट चेकिंग एंड सैम्पल चेकिंग। अभी मैंने बताया सैम्पल करते हैं या टेस्ट बेसिस पे आप चेकिंग जो है वो कर रहे होते हैं। फोकस है। द प्राइमरी फोकस ऑफ अकाउंटिंग इज टू एक्यूरेटली रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उनको एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाए। वाइल द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑडिटिंग इज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी। वहाँ वो कह रहे हैं कि एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाए और ये उस एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जो वहाँ जो एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड किया गया है वो सही एक्यूरेसी थी या नहीं थी, कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, तो उस हिसाब से जो है आप ऑडिटिंग को लेके जाते हैं। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? फाइनेंशियल पोजीशन दे, प्रॉफिटेबिलिटी बताए, परफॉर्मेंस बताए। वाइल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू ऐड क्रेडिबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट दे रही है, लॉस दे रही है, परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, बतानी है, ये सब चीज़ें अकाउंटिंग बताती है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्रेडिबल है
उन पर भरोसा किया जा सकता है, यकीन किया जा सकता है, जो रिपोर्ट्स कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को उस पर भरोसा यकीन किया जा सकता है, ये ऑडिटिंग बताती है। लीगल स्टेटस, अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद सम ऑफ डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन, बट ऑडिटिंग इज गवर्न्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड डज नॉट प्रोवाइड मच फ्लेक्सिबिलिटी। ये अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस करती है, कुछ आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप उनको थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबल उसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑडिटिंग जो है, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड है, उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं उस हिसाब से आपने ऑडिट करना होता है। परफॉर्म बाय अकाउंटिंग, अकाउंटेंट्स परफॉर्म करते हैं ऑडिटिंग जो है वो, क्वालिफाइड ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं। स्टेटस, अकाउंटिंग इज यूजुअली कैरिड आउट बाय इंटरनल एम्प्लॉय, इंटरनल एम्प्लॉय करते हैं कंपनी का। ऑडिटिंग जो है वो एक्सटर्नल पर्सन जो है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है वो करती है। अपॉइंटमेंट अकाउंटेंट की जो है वो कंपनी खुद करती है, मैनेजमेंट करती है, जबकि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स करते हैं। क्वालिफिकेशन, कंपनी के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती अकाउंटेंट के लिए, लेकिन सब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज कंपल्सरी फॉर एन ऑडिटर, जैसे मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। फिर रिम्यूनरेशन टाइप, मुआवजा कैसे मिलता है, अकाउंटिंग इज कैरीड आउट बाई कंपनी एम्प्लॉय हु गेट्स अ सैलरी, अकाउंटेंट को सैलरी मिलती है, मैनेजमेंट सैलरी देती है, जबकि स्पेसिफिक ऑडिटिंग फीस पेड टू ऑडिटर, ऑडिटर को ऑडिट फी दी जाती है जो कि कंपनी ऑडिट फर्म को देती है। रिम्यूनरेशन फिक्सेशन, अकाउंटेंट्स रिम्यूनरेशन फॉर एग्जाम्पल सैलरी इज फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट व्हाइल ऑडिटर्स फीस फिक्स्ड बाय शेयर होल्डर्स। बात समझ में आ रही है। अच्छा, नेसेसिटी पे आ जाए फिर, इसकी जरूरत जरूरत इसकी। अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन द डे टू डे और रूटीन ऑपरेशन, वाइल ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी इन द डे टू डे ऑपरेशन। ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है आपके डे टू डे ऑपरेशन की, लेकिन अकाउंटिंग की लाजमी जरूरत होती है। रिपोर्ट सबमिशन, अकाउंट्स आर सबमिटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाइल ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द शेयर होल्डर्स। अकाउंट मैनेजमेंट को जाते, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो शेयर होल्डर्स को जाती है जो कि ओनर होते हैं। गाइडेंस, अकाउंटेंट मे मेक सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू द मैनेजमेंट, लेकिन अगर वो कुछ सजेशन दे भी रहे तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। मैनेजमेंट की अपनी मर्जी है कि वो उन सजेशन को देखे ना देखे, छोड़ दे, इम्प्लीमेंट करे ना करे, ये मैनेजमेंट की मर्जी। लेकिन जो ऑडिटर सजेशन देते हैं वो जो है उसको उनको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो है ऑडिटर जो होते हैं वो गाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि आपने ये चीज़ जो है गलत कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये रूल आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर वो चीज़ पर मैनेजमेंट फॉलो नहीं करती ऑडिटर के कहने के बावजूद, तो फिर आपकी रिपोर्ट जो है उसको क्वालिफाई कर दिया जाता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट आपकी जो है वो बन जाती है। लाइबिलिटी अगर देखी जाए तो अकाउंटेंट्स लाइबिलिटी जनरली एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, उनकी लाइबिलिटी जैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तो उनकी लाइबिलिटी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। व्हाइल ऑडिटर हैज लाइबिलिटी आफ्टर प्रिपरेशन सबमिशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवा देते हैं तो उनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। शेयर होल्डर्स मीटिंग में अकाउंटेंट शरीक नहीं होते, जबकि ऑडिटर जो है मे अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, An accountant is not usually prosecuted for professional misconduct. अगर कोई accountant ने fraud कर भी किया तो उसको जो है वो उसकी सजा normally, क्योंकि management का part होता है तो management अपने बंदे को जो है वो सजा नहीं देती। जबकि auditor जो है अगर उससे कोई professional misconduct, कोई professionally कोई खराब चीज कर दे वो तो फिर legal procedures के तहत उसको सजा दी जा सकती है। Removal, अकाउंटेंट को मैनेजमेंट रिमूव करती है, ऑडिटर को शेयर होल्डर्स रिमूव करते हैं। हर साल आजकल तो ऑडिटर जो है वो चेंज होता है, उसकी जगह नया फ्रेश ऑडिटर आता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया।